आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आज समर सिंह की वाराणसी कोर्ट में पेशी है। दोपहर 2 बजे का वक्त है जब वाराणसी पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस की कोशिश रहेगी कि समर सिंह की कस्टडी रिमांड मिल जाए ताकि आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी को सुलझाया जा सके। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर पुलिस जानना चाहेगी कि आकांक्षा की मौत के पीछे उसकी भूमिका क्या है। कल समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था और गाजियाबाद के कोर्ट ने उसे 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी पुलिस के हवाले कर दिया था। वाराणसी में समर सिंह को रात भर पुलिस लाइन में रखा गया था। अब 2 बजे कोर्ट में होनी है पेशी। कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है वाराणसी पुलिस। वाराणसी कोर्ट से जयपाल हमारे साथ और जानकारी के साथ है। जयपाल, आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब समर से जानना चाहती है पुलिस। 2 बजे पेशी। बिल्कुल, देखिए, समर सिंह की गिरफ्तारी जैसे ही गाजियाबाद से हुई और उसके बाद वाराणसी पुलिस अब उसे लेकर पुलिस लाइन में मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वक्त है जब कोर्ट में समर सिंह की पेशी होगी और कई ऐसे सवाल हैं जो समर सिंह से पूछे जाने हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आकांक्षा दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। शशांक जी, क्या कुछ आज कोर्ट में पेशी के दौरान कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होनी है? देखिए, पुलिस कस्टडी की एप्लीकेशन दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर भी सुनवाई के लिए रेगुलर कोर्ट के सामने वो करेंगे और सोमवार को ही सारी क्रियाएं वो कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी तैयारी पहले से कर ली है। एक आपके पास आऊंगा। आकांक्षा की मां मधु दुबे की माने तो समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे पिछले 3 सालों से काम कर रही थी। सबसे ज्यादा गाने उसने समर सिंह के साथ ही गाए थे। वो उसके साथ गुलामों जैसा सलूक करता था, दूसरी जगह काम करने पर पाबंदी लगा रखी थी, उसको टॉर्चर करता था। यहाँ तक कि जब भी आकांक्षा वाराणसी में होती उसे कहीं और ठहरने नहीं देता था। तीन साल से मेरी लड़की इसके साथ में काम कर रही है। तीन साल से इसके ही साथ सबसे ज़्यादा गाना पिक्चर इनके ही साथ में, यही बनारस में 2-2 महीना इसके घर पे रुकती थी मेरी लड़की। पूरी तरह से मेरी लड़की को दूसरे का काम आता था तो करने नहीं देता था। पूरी तरह से मेरी लड़की को टॉर्चर करके अपने कब्जे में रखा था। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। सवाल है कि आकांक्षा को आखिर किसके दम पर वो ब्लैकमेल करता था, उसके पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से आकांक्षा उसके साथ रहने के लिए मजबूर थी। आकांक्षा के परिजनों ने इस बाबत भी पुलिस को तहरीर दे रखी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसे अनदेखा कर दिया। उसको ब्लैकमेल करने का जो प्रयास किया जा रहा था उस आधार पर वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। आप देखेंगे पिछले 2.5-3 सालों में समर सिंह के अलावा किसी भी अन्य कलाकार के साथ उसका कोई वीडियो रिलीज नहीं हुआ या कोई गाना रिलीज नहीं हुआ, और वो जो है उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ जो है एक पट्टे पपेट की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। आकांक्षा दुबे की माँ लगातार समर पर हत्या का आरोप लगा रही है, लेकिन पुलिस की अलग छोरी है। पुलिस की माने तो आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुदकुशी की तरफ इशारा कर रही है। पुलिस ने अपनी बात सही साबित करने के लिए उन हालातों का भी जिक्र किया है। हालत में आकांक्षा होटल के कमरा नंबर 105 में फंदे से लटकती पाई गई थी। पुलिस का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए ये सुसाइड का एंगल हो सकता है। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल सुस्पष्ट है, उसमें हैंगिंग आया है और बिस्तरा प्रिजर्व है, ये जानकारी करने के लिए कि क्या खाया पिया गया। तो इसमें अभी कोई अनर्गल टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आत्महत्या की ओर इशारा करती है और कमरा भी अंदर से बंद था, परिस्थितियां भी बिल्कुल आत्महत्या की ओर ही संकेत कर रही है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि कुछ शराब वगैरह पी थी उसने? देखिए, शराब के बारे में बिस्तरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कहा जा सकता है कि पेट में क्या मिला, और अभी तक जितने लोग इस संबंध में टिप्पणी कर रहे हैं वो केवल कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं। दूसरी तरफ आकांक्षा केस में सियासत की भी एंट्री हो गई है। यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने भदोही पहुंचकर आकांक्षा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की। देखिए, ऐसा है कि ये पूरी तरीके से मैं कहूंगा तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है, क्योंकि जिस तरीके से आज कार्यक्रम हम लोगों का तय हुआ कि हम लोग आज आएंगे इसके परिवार में, कल कार्यक्रम जारी हुआ और रात को समर सिंह की गिरफ्तारी पता लगा गाजियाबाद में हो जाती है, जैसा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से चला, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से
ये एक षड्यंत्र दिख रहा है या इसमें राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है। और ये मांग करते हैं कि जो परिवार की जो जो डिमांड है, सीबीआई की मांग है, इस परिवार को पूरी तरीके से संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए और आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए। फिलहाल समर सिंह पुलिस के सामने है, अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो समर से किस तरह सच उगलवा पाती है ताकि एक उभरती हुई भोजपुरी अदाकारा की मौत का सच सबके सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी से मेरे सहयोगी जयपाल इस वक्त हमारे साथ है। जयपाल, आकांक्षा दुबे के केस में आज का दिन बेहद अहम, जब 2:30 से 3 बजे के बीच होगी समर सिंह की पेशी। बिल्कुल, देखिए ये पेशी 2:30 से 3 बजे के वक्त हो सकती है क्योंकि ट्रांजिट रिमांड की जो समय है वो 24 घंटे ही है और वो समयावधि जो है वो बीत जाए इससे पहले कि पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी कोर्ट में, और कोर्ट में पेशी होने के लिए समर सिंह को पुलिस लाइन से लाया जाएगा। और इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोर्ट के बाहर जो है वो हलचल बढ़ी है और ये माना जा रहा है कि जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर बैठक करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर समर सिंह की पेशी होगी। कई ऐसे अहम सवाल हैं जो समर सिंह से पूछे जाने बाकी हैं और ये सवाल जो है सिर्फ समर सिंह दे सकता है क्योंकि मां का गंभीर आरोप है कि हत्या के लिए समर सिंह ने ही आकांक्षा दुबे को उकसाया था। और जिस तरह से सोमेंद्र होटल के कमरा नंबर 105 में आकांक्षा की लाश मिली थी उस पर भी शक गहराता जा रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशांक शेखर त्रिपाठी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं फिर से। ये आकांक्षा दुबे के वकील भी हैं। शशांक जी, मां ने कई आरोप लगाए, ऐसे कौन से सवाल हैं जो समर सिंह से पूछे जाने बाकी क्योंकि हत्या को लेकर उकसाने का भी आरोप समर सिंह पर ही है। जी देखिए, समर सिंह की जो प्रारंभ से भूमिका है, मतलब पिछले 2-3 सालों से समर सिंह उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उनका एक्सटॉर्शन कर रहे थे और उनका मिसयूज कर रहे थे। अब ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और मिसयूज की जो एलाबोरेशन है वो हम लोग कोर्ट में दे चुके हैं और वहीं देना एक लड़की की अस्मिता के प्रश्न पर ठीक होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिसको लगातार यह धमकी दी जा रही थी कि अगर तुम किसी और के साथ काम करोगी और इन्वॉल्व होगी तो तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, और उसकी हत्या उन परिस्थितियों में होती है जब वह एक होटल में होती है और एक स्टोरी डेवलप की जाती है। जी जी जी, और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोग मांग करेंगे जो सजा की मांग है क्या होगी कोर्ट में? तो सबसे पहले ये मांग करेंगे कि वादिनी का बयान पूरा लिखा जाए और इसके लिए हम लोगों ने दो दो एप्लीकेशन मानी कोर्ट में दे दिए हैं, एफिडेविट के साथ दिए हैं कि इसमें पहले वादिनी का बयान पूरा लिखा जाए, और वादिनी का जब पूरा बयान लिखा जाएगा तो तब क्राइम के इंग्रेडिएंट्स निकल करके आएंगे और तब उस बयान के आधार पर पुलिस को विवेचना करनी होगी। तब पुलिस यह नहीं कह पाएगी कि हमने विवेचनाएं कर ली क्योंकि उनके मोबाइल फोन्स की डिटेल अभी आई नहीं है, उनके बिस्रा की रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है, उनके पोस्टमार्टम में जो उनके इंटेस्टाइन में जो एक भूरे रंग का पदार्थ पाया गया है जो हैजार्डियस होने की संभावना है उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह भी है कि क्या पुलिस के जांच पर आपको भरोसा है या आप लोग सीबीआई जांच की तरफ भी मांग कर रहे हैं? पुलिस के जांच पर जी नहीं, देखिए पुलिस की जांच पर हमको भरोसा है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इसको टर्न डाउन करने का प्रयास किया थाना सारनाथ ने, निश्चित तौर पर हम लोग उससे दुखी हैं। इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस बात की मांग की थी कि इसको दबाव बना करके और इस पर सीबीआई जांच हो। समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी समर सिंह के कुछ नए खुलासे हुए, शिवपाल यादव का नाम आ रहा, उसमें क्या आपको लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की आशंका आकांक्षा की मां को थी, इसलिए उन्होंने इसका एक बयान भी जारी किया था कि हमारी बेटी की हत्या में समर सिंह है और समर सिंह को बचाने में समाजवादी पार्टी के बड़े लोगों का हाथ है, और एक बेटी ने एक बेटी की हत्या के आरोप में भगोड़े का फोटो लगाया एक बड़े नेता के साथ। यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह के बात अगर किसी बच्ची के साथ अपराध हुआ है और आप भगोड़ा वह अपराधी है, भले वो इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ चल रही है, NBW जारी है, तो कम से कम आप इतने बड़े नेता हैं, आपको उससे बचना चाहिए था। आपको लगता है समाजवादी पार्टी के नेता बचा रहे समर सिंह को? देखिए उसको कोई तो बचा रहा है और कोई बहुत बड़ा आदमी बचा रहा है जिसके बड़े रसूख हैं, वह बचाने का प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पर हम लोग उसमें लगे हुए हैं। देखिए कोई किसी को बचा नहीं सकता इस सरकार में। कल आकांक्षा दुबे की माता जी ने भी यह बात कही कि बुलडोजर बाबा ने से मुझे न्याय मिल रहा है, जब से हम लोग काम शुरू किए हैं उन्होंने गिरफ्तारी कराई है, पुलिस थोड़ा हम लोगों की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बुलडोजर बाबा से हमको न्याय मिलेगा और निश्चित तौर पर जाना चाहते हैं। अभी पेशी में कितना वक्त बाकी है? देखिए अब ये पुलिस के ऊपर और
माननीय न्यायालय के ऊपर है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, एक रिमांड कोर्ट बैठती है, रिमांड कोर्ट 2 बजे के बाद 2:30 बजे तक 4 बजे तक बैठती है, और सेंसिटिव मामलों में कई बार पुलिस घरों पर घर पर भी अपनी पेशी करा लेती है। लेकिन हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों ने जो एविडेंस कोर्ट में 2 दिन पहले उपलब्ध कराए हैं जिसमें डेट सोमवार की लगी हुई है, तो हम लोग किसी भी लेकिन जरा दर्शकों को यह बता देते हैं कि समर सिंह जिसकी पेशी अभी 2:30 से 3 बजे के बीच अदालत में होनी है, उस समर सिंह पर आरोप क्या है? आकांक्षा की मां की तरफ से बड़े गंभीर आरोप उस पर लगाए गए हैं, जरा वो समझते हैं। खुदकुशी के लिए उकसाना, आकांक्षा की मौत में समर की भूमिका क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। आकांक्षा को टॉर्चर करने का आरोप है, आकांक्षा को ब्लैकमेल करने का आरोप है, आकांक्षा को परेशान करने का आरोप है, किसी और के साथ काम न करने देने का दबाव डालना, पूरे तरीके से उस पर कब्जा करना, गुलामों जैसा उसके साथ सलूक करना, भाई के जरिए धमकी देना, खुदकुशी के लिए उकसाना, ये सारे गंभीर आरोप समर सिंह पर लगे हैं। गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, वाराणसी के कोर्ट में आज उसकी पेशी होनी है 2:30 से 3 बजे के बीच। तो देखना यह है कि अदालत में आज क्या होता है। गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है, वाराणसी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर उसे भेजा गया। और देखिए इस केस में, आकांक्षा दुबे केस में अब तक हुआ क्या है इसे समझिए शुरुआत से। 26 मार्च को होटल में आकांक्षा का शव बरामद होता है, फिर 27 मार्च को सारनाथ थाने में इसे लेकर केस दर्ज किया जाता है, 28 मार्च को आकांक्षा की मां से एक्ट्रेस अक्षरा मुलाकात करती है, 30 मार्च को परिजनों का सारनाथ थाने में प्रदर्शन देखने को मिलता है, 4 अप्रैल को आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, 6 अप्रैल को गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, 7 अप्रैल को वाराणसी कोर्ट में समर सिंह की जो पेशी है वो अदालत में पेशी होनी है, 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी थी, आज की पेशी बहुत कुछ तय करेगी, कई सवालों के जवाब अभी पुलिस को जानने। जयपाल के पास एक बार फिर से चलते हैं, जयपाल क्या सबूत समर के खिलाफ है? आकांक्षा की मां की तरफ से आरोप तो कई लगाए गए हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे सबूत हैं जो इन आरोपों को साबित भी करते हो? बिल्कुल, देखिए ये सबूत अगर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएं तो सबसे पहले हमने जब होटल संचालक से बात की तो उसका कहना था कि समर सिंह उसी होटल सोमेंद्र में रुका 3 महीने पहले, जिसमें आकांक्षा से रिश्ते होने की बात कही, और उसकी मां खुद ये कहती रही है कि आकांक्षा जब वीडियो कॉलिंग करती थी तो उसमें सेट पर समर सिंह दिखाई देता था, कहीं घूमने बाहर जाती थी उस वक्त समर सिंह उसके साथ हुआ करता था, और समर सिंह ने आकांक्षा को कई गिफ्ट भी दिए थे, लेकिन ये सब तब हुआ था जब आकांक्षा काम कर रही थी और कई जगहों पर उसकी डिमांड थी, लेकिन समर सिंह की आपत्ति यह थी कि वो किसी और भी सेलिब्रिटी के साथ, किसी और कलाकार के साथ काम न करे, और इसको लेकर समर सिंह ने आकांक्षा को कई बार प्रताड़ित भी किया था और करोड़ों रुपए कई ऐसे गंभीर आरोप हैं, और उन आरोपों के लिए सबूत जुटाने का काम आगे किया जाएगा, लेकिन पहले आज की पेशी जो है।